राइट, तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई पर्सन किसी केस में विटनेस है यानी कि गवाह है और वो गवाही देने कोर्ट में नहीं जाता यानी कि वो अपनी मनमानी चलाता है, तो ऐसे में क्या होता है, क्या उसको सजा होती है, क्या उसको फाइन भरना पड़ता है, उसके साथ क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई पर्सन विटनेस है और वो गवाही के लिए नहीं जाता है कोर्ट के बुलाने पर भी, तो इट्स ए केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना करना, फिर वो क्रिमिनल हो या सिविल हो वो डिपेंड करता है कैसा केस है। अगर सिविल केस है तो वो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, अगर क्रिमिनल है तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अब हम जान लेंगे कि जाना ज़रूरी क्यों होता है कोर्ट में। तो आपको बता दें जो कोर्ट होता है वो क्या करता है, वो जस्टिस के लिए बहुत सतर्क रहता है यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, तो वो नहीं चाहता कि किसी की गवाही के बगैर यानी कि कोई गवाही इम्पोर्टेंट थी और वो गवाही देने ना आए जिससे कि जस्टिस इफेक्ट हो जाए। यानी कि अगर कोई पर्सन गवाह है और वो नहीं आता गवाही देने तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि जो केस है जो जीतने वाला होगा या हारने वाला होगा उस चीज़ पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। गॉट इट। तो अब जो प्रोसीजर है वो क्या है, तो प्रोसीजर ये होता है कि अगर आप किसी केस में विटनेस हो अब आप नहीं जाते तो पहले तो आपको आता है एक नोटिस, गॉट इट, कि भाई आप अपनी हाजिरी दो। उसके बाद क्या होता है, अगर आप नहीं आते हो हाजिरी पे भी नहीं आते हो नोटिस पे भी नहीं आते हो तो आपके खिलाफ समन आते हैं। अब समन पे भी आप ना आए तो फिर आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है यानी कि कोर्ट आपको अरेस्ट करने के ऑर्डर दे सकता है। यस, ये तो होगी जनरल बातें, गॉट इट। अब जो रियलिटी में होता क्या है, लोग सोचते हैं कि भाई हम क्यों जाएं कोर्ट, अपना किराया लगा के अपना आने जाने का खर्चा होगा वगैरह वगैरह वगैरह, बट इट टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके कोई पास सफिशिएंट रीज़न है तो आप सफिशिएंट रीज़न दे सकते हो, अगर आपके पास कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है तो आपको जाना ही पड़ेगा, मोस्टली केसों में आपको जाना ही पड़ता है, गॉट इट। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार आना जाना खर्चा होगा, खर्चा कौन देगा, हम क्यों जाएं भाई किसी के केस में, तो इस चीज़ का भी आपके पास उपाय है। इसका उपाय ये कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो और कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते हो कि भाई जो हमारा आना जाना है वो काफ़ी दूर है तो क्या पता कोर्ट आपके लिए रिलीफ कर दे। वो जनरली डिपेंड करता है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स पे, वो ज़रूरी नहीं है हर बार आपको आने जाने का खर्चा ही दे दे, लेकिन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप इट इज़ क्लियर।